हेलो डियर स्टूडेंट, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, श्रीमती गुप्ता ने अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 50,000 रुपये निवेश एक वर्ष के लिए सावधि जमा फिक्स्ड डिपॉजिट में किया। सावधि जमा की अवधि पूरी होने पर उन्हें कितनी राशि मिली, यानी उन्हें कितना अमाउंट मिला मिश्रधन। देखो, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, यहाँ से देखिए, यहाँ बोला गया है ओवरऑल के अर्धवार्षिक श्रीमती गुप्ता अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 8% वार्षिक, जो वार्षिक अगर लगेगी तो 8% लगेगी, लेकिन यहाँ बोला है अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली, यानी टू टाइम्स, सिक्स सिक्स मंथ के टू टाइम्स हो जाएंगे, और हाफ की रेट क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, 4% 4% 4% 6 मंथ और 4% 6 मंथ के लिए। टाइम्स क्या हो जाएगा, ड्यूरेशन टू टाइम्स के लिए हो जाएगा, दो बार इसमें क्या करेंगे, लगाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसानी से सक्सेसिव मेथड से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, अन्यथा अगर आप इस क्वेश्चन को किसी और कॉन्सेप्ट से करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा समय अपना वेस्ट कर देंगे। तो आसानी से करते हैं, SSC GD में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, किस मेथड से करेंगे इसे, हम इसे सक्सेसिव मेथड से कर लेंगे। चलिए देखिए, सक्सेसिव मेथड क्या होता है, x+-x+ + y + -xy/100, यही होता है आपका सक्सेसिव। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं आई होगी, सिर्फ आपको ओवरऑल यही लगाना है। जब आपकी टू टाइम्स आपकी जब लगाया जा रहा है तो रेट हाफ हो गई, 4% 4%, और यहाँ पर क्या है, सिर्फ इंक्रीज हो रहा है तो प्लस ही लेंगे हम, तो 4+4+xy/16/100। जब 100 को ऊपर ले जाएंगे आप तो इसे पॉइंट में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 0.16। तो ओवरऑल ये कितना आ गया, 8.16%। ये आपकी क्या निकल के आ गई, ये आपकी ब्याज आ गई, यहाँ ये आपकी क्या आ गई, ब्याज निकल के आ गई। अब हम गणना किस पे करते हैं, हम मानते हैं कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो है 100, तो 100 पे अगर हमारा प्रिंसिपल क्या है, 100 है, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, हमारा प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा 108.6%। अब लेकिन रियल जो हमें अमाउंट दे रख, रियल जो प्रिंसिपल दे रखा है, वैल्यू दे रखी है संख्या 50,000 है, क्या दे रखी है, 50,000। तो आपको करना क्या है, 50,000 का आपको 108% ये निकालना है, 108.16% लग रहा है, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 लग जाएगा, ठीक है, और एक जी पॉइंट, दो पॉइंट के बाद जीरो पॉइंट लगा हुआ है, दो अंक के बाद इसे हटाएंगे तो दो जीरो और लग जाएंगे। अब देखो, कार्ड ली दे, दो जीरो से ये दो जीरो कट गया और ये दो जीरो से ये दो जीरो कट गया, वैल्यू आपकी क्या निकल के आ गई यहाँ पर, यह देखिए, ये आ गया आपका 5×108.16। इसमें आपको क्या है, मल्टीप्लाई करना है, वही आपका आंसर है। चलिए कर लेते हैं, जब आप 5 का मल्टीप्लाई 10,000 में करते हैं तो कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। यहाँ से देखो, ये शॉर्ट मेथड होते हैं इसे सॉल्व करने के। उसके बाद 5 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, 8×5=40, तो कितना हो जाएगा, 40,000, ठीक, और उसके बाद 16×5=80, तो ओवरऑल आपका कितना निकल के आ गया, 0804 54। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 54,080, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इस कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन को 10 से 20 सेकंड में आसानी से कर सकते हैं सक्सेस में। इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन आप मिले तो इस मेथड से आप कीजिए।